यूपी और पंजाब चुनाव के बीच एक सवाल उठ रहा है कि दलित मतदाताओं तक बीजेपी की पहुंच क्यों गिर रही है। पंजाब और यूपी विधानसभा चुनावों के मौजूदा दौर में दलित मतदाताओं को लुभाने के लिए भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी द्वारा किए जा रहे कड़े प्रयासों में बाधा आती दिख रही है। पंजाब और यूपी दोनों जगह दलित एक प्रमुख फैक्टर है, लेकिन बीजेपी को दलित समुदाय तक अपनी पहुंच बनाने में ज्यादा सफलता नहीं मिली है। इसके कई कारण हैं। वैसे तो पंजाब में 32% दलित समुदाय को बीजेपी के खिलाफ कोई विशेष शिकायत नहीं है, क्योंकि पिछले 5 सालों में कांग्रेस के शासन के दौरान बीजेपी ने कोई भूमिका नहीं निभाई। लेकिन राज्य के दूसरे समुदायों की तरह दलित भी इस चुनाव में बीजेपी को एक हारी हुई पार्टी के रूप में देखते हैं। राज्य में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सीधा मुकाबला बन रहा है। दरअसल दलित इस बात से काफी खुश हैं कि कांग्रेस ने जहां चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब का पहला दलित मुख्यमंत्री नियुक्त किया है, वहीं मौजूदा आप नेता प्रतिपक्ष हरपाल सिंह चीमा भी दलित हैं। ये पहली बार है जब दलितों ने बड़ी संख्या में होने के बावजूद पंजाब की राजनीति में इतनी प्रमुख भूमिका निभाई है, और वो काफी हद तक बीजेपी के प्रति उदासीन रहे हैं। विडंबना ये है कि बीजेपी ने आरएसएस की सलाह पर दलितों, निचली पिछड़ी जातियों और शहरी हिंदुओं के साथ हिंदुत्व के बैनर तले एक वैकल्पिक गठबंधन बनाने की मांग की थी। बीजेपी पंजाब में दलित मुख्यमंत्री की मांग करने वाली पहली पार्टी भी है। अभी हाल ही में बीजेपी और चुनाव आयोग दोनों ने कांग्रेस के मुख्यमंत्री चन्नी द्वारा पंजाब में मतदान को 14 फरवरी की निर्धारित तिथि से स्थगित करने के आह्वान का तेजी से समर्थन किया था, क्योंकि ये दलित संत रविदास की वार्षिक वर्षगांठ समारोह के बहुत करीब था। राज्य में बड़ी संख्या में संत रविदास के अनुयायी हैं। पंजाब से इतर उत्तर प्रदेश में बीजेपी मजबूत स्थिति में है। यूपी में आने वाले चुनावों में दलित वोट महत्वपूर्ण होगा। 2014 में जब नरेंद्र मोदी की हवा चली तो बीजेपी को दलित समुदाय ने वोट किया, जिसने कभी परंपरागत रूप से पार्टी का समर्थन नहीं किया था। बीजेपी ने 2017 के यूपी विधानसभा चुनावों में और 2019 के लोकसभा चुनाव में न केवल निम्न पिछड़ी जातियों और बल्कि गैर जाटों दलित वोटों का बहुमत भी हासिल किया था। साथ ही साथ कई बीएसपी सपोर्टर जाटों युवा वोट बैंक को भी बीजेपी साधने में कामयाब रही है। हालांकि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर सियासी नैरेटिव बदल रहा है। वहीं मायावती का कद यूपी की राजनीति में गैर हाजिरी के कारण और नीचे गिर गया है। साथ ही बीजेपी को इसका लाभ मिलेगा ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ग्राउंड रिपोर्ट से पता चलता है कि जहां पुराने जाटों वोट अभी भी बीएसपी के प्रति वफादार हैं, वहीं युवा वर्ग जो पहले बीजेपी के पक्ष में था, वो अब समाजवादी पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन की ओर झुक रहा है। अब सवाल है कि समाजवादी पार्टी को इसका फायदा कैसे मिल सकता है। बीजेपी के लिए इससे भी ज्यादा नुकसानदेह बात यह हो सकती है कि उसके नए गैर जाटों दलित वोट बैंक में दरारें हैं, साथ ही निचली पिछड़ी जातियों का लाभ भी नहीं मिलता दिख रहा है। इन सबको मद्देनजर रखकर ये कहा जा सकता है कि बीजेपी को होने वाला नुकसान समाजवादी पार्टी गठबंधन के लिए एक सीधा लाभ हो सकता है, जो स्पष्ट रूप से उत्तर प्रदेश में बीजेपी को मजबूती से टक्कर दे रही। एक दलित एक्टिविस्ट ने बताया कि जहां तक जाटों का सवाल है, वो बीएसपी को वोट देंगे अगर वो किसी निर्वाचन क्षेत्र में जीत की स्थिति में, लेकिन अगर नहीं तो वो बीजेपी को हराने के लिए अपने सबसे पसंदीदा उम्मीदवार को चुनने की संभावना रखते हैं। पासी जो जाटों के बाद दूसरा सबसे बड़ा दलित समूह है, इसने पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए भारी मतदान किया था, लेकिन अब वो समाजवादी पार्टी के गठबंधन के लिए बड़ी संख्या में मतदान करेंगे। वाल्मीकि, धोबी और खटीक जैसे अन्य छोटे गैर जाटों दलित समूहों में भी विभाजन है, जो परंपरागत रूप से बीजेपी की ओर झुके हुए हैं। दलित एक्टिविस्ट का कहना है कि दलितों में बीजेपी के प्रति मोहभंग और गुस्सा है। ये गुस्सा मुख्य रूप से पिछले 5 सालों में गंभीर आर्थिक संकट और दलितों पर हुए अत्याचारों की वजह से उपजा है। ये अत्याचार सबसे ज्यादा दलित महिलाओं के खिलाफ हुए हैं। उन्होंने आगे कहा कि दलितों की रक्षा करने या उनकी आर्थिक भलाई की देखभाल करने से दूर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अधीन उच्च जाति प्रभुत्व वाली पुलिस और प्रशासन दलितों, मुसलमानों, निचली पिछड़ी जातियों जैसे अन्य कमजोर वर्गों के साथ साथ दलितों को आतंकित कर रहे हैं। इस तरह दलितों का बीजेपी के प्रति मोह भंग केवल बीजेपी को इस चुनाव में महंगा साबित नहीं होगा, बल्कि 2024 में भी नरेंद्र मोदी को नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि उन्हीं की वजह से दलित वोट बीजेपी की तरफ आ पाया था।